हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस और मैं हूं आपका आशीष सर। तो गाइस, हम लोगों ने कल पढ़ा था टेंस, और टेंस में पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कॉन्टिन्यू का मतलब हमने आपको बताया था, कॉन्टिन्यू मतलब क्या होता है, लगातार जो काम क्या है, जारी अवस्था में हो, जो जारी अवस्था में हो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यू कहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यू का मतलब ही होता है लगातार, तो कंटिन्यूअस का मतलब हो गया लगातार या निरंतर। तो हमने कल पढ़ा था निरंतर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अर्थात निरंतर वर्तमान काल, और तत्पश्चात हमने क्या पढ़ा था, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है गाइस, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, जो कार्य समाप्त होने के भाव को प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि मैं चाय पी चुका हूँ, तो चाय पीने का काम जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीट एक्सप्रेस होता है। जब कंप्लीट की बात की जाती है तो हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। तो कल हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, तो अभी आपका सेंटेंस बचा हुआ क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको हम आज बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, निरंतर, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और टेंस का मतलब काल। तो इस तरीके से अगर हम इसका अर्थ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, निरंतर पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, निरंतर पूर्ण वर्तमान काल, इस टेंस की हिंदी हो गई गाइस, निरंतर पूर्ण वर्तमान काल, या फिर वर्तमान निरंतर पूर्ण काल। अगर आप इस तरह से बताते हैं तो थोड़ा सा अब्सर्ड सा लगता है, परफेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हम सही अर्थ क्या बताते हैं कि निरंतर पूर्ण वर्तमान काल। अब उसके बाद क्या होता है, हम जानेंगे कैसे गाइस कि ये कौन सा टेंस है, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब हमको ये मालूम करना होता है तो हम सबसे पहले उसकी पहचान जानते हैं। पहचान जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान लिख लेते हैं। तो पहचान आपका क्या होता है, इंग्लिश में हम बताते हैं पहचान को आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, When, रहा है, रही है, रहे हैं, these type of word will come in the sentences with time, then we shall know it is present perfect continuous tense. Mind one things guys, present continuous और present perfect continuous में बहुत थोड़ा सा difference है। अगर आपने जरा सी गलती की तो tense perfect continuous के बजाय सीधा सीधा continuous में पहुंच जाएगा। इसलिए पहचान रूल्स बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट में होने चाहिए, आपके ध्यान में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बार बार मैं सुनता हूँ आप बोलते हैं सर मेरे समझ में नहीं आता, लगता है मुझे नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा भाई, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव योर ओन सेल्फ, आप खुद पर तो विश्वास करो, डेफिनेटली आपको आएगा। केवल महसूस कीजिए कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस आ गया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अ चैलेंज, और जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास करो। हम तो तरीका बताएंगे, केवल आपको हम एक एग्जांपल देंगे, केवल आपको एक एग्जांपल बताएंगे, इट्स अ चैलेंज का, आपको एक एग्जांपल आपके सारे एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए आपको एक्वायर करेगा, एक्साइटेड करेगा, आपके पावर को एनालाइज कराएगा। तो जस्ट क्या दिया गया है, व्हेन, रहा है, रही है, रहे हैं, दिस टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब। अगर हम यहां पे कह देते हैं कि लास्ट ऑफ वर्ब ठीक है, अगर हम कह दें कि when, रहा है, रही है, रहे हैं, this type of word will come in the last of verb with time, तब तो ये perfect है। अगर यही with time हम हटा दें यहाँ से, सिर्फ इतना बताएं कि when, रहा है, रही है, रहे हैं, this type of word will come in the last of verb, then we shall know it is present continuous tense। इसलिए ध्यान इतना रखिएगा guys, जब भी perfect continuous को आप पढ़ेंगे तो verb के बाद with time का प्रयोग जरूर होगा, समय जरूर आएगा आपके वाक्य में, और जिस वाक्य में समय का बोध हो जाता है वही आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आपका अनुवाद बनाने का नियम जिसे आप बताते हैं। तो अनुवाद बनाने में हमारा सबसे पहला टेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, पहले हमें क्या लिखना होता है, फर्स्टली वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। तो गाइज डू यू नो द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस,
क्या आपको पता है इस सेंटेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? अगर नहीं पता है तो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन के ऊपर नोट पॉइंट बना सकते हैं। नोट पॉइंट में आप लिखेंगे हैज और हैव बीन इज एक्सिलरी या इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस सीटीसी। अर्थात अनुवाद बनाते समय सबसे पहले कर्ता, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्म, फिर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, तथा अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है। कंसंट्रेट कीजिए गाइस, मैंने कहा था आपको चारों सेंटेंसेस के एक एक एग्जांपल दूंगा और एक एग्जांपल में आप अपने आप को परफेक्ट और मैच्योर्ड पाएंगे। तो आते हैं हम लोग सेंटेंस की तरफ। पहला आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए माँ सुबह से मंदिर में पूजा कर रही है। नाउ गाइस जस्ट माइंड अबाउट दैट, माँ सुबह से मंदिर में पूजा कर रही है। कौन कर रही है बच्चों? डेफिनेटली आपको याद होगा मैंने क्या कहा कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को चूज करना होगा तो हम कौन लगा के प्रश्न करेंगे, और जब कौन लगा के प्रश्न करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सब्जेक्ट प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि मंदिर में पूजा कौन कर रहा है? माँ कर रही है। कौन कर रहा है? माँ कर रही है। तो माँ की इंग्लिश क्या होती है गाइस? मदर। वेरी गुड, क्या होती है? मदर। अब मदर क्या है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, और मैंने क्या बताया सिंगुलर के साथ हम हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो माँ अगर सिंगुलर है तो यहाँ क्या लग जाएगा? हैज बीन। क्या लग जाएगा? हैज बीन, मदर हैज बीन। अब हमको क्या करना है, क्रिया ढूंढना है। तो माँ क्या करती है? पूजा करती है। तो पूजा करने की इंग्लिश क्या होती है? वर्शिप होती है। क्या होती है? वर्शिप हो जाती है। तो मदर इज वर्शिप। उसके बाद आपने क्या लिखा है, जैसे यहां कंसंट्रेट कीजिए, वर्ब के बाद आईएनजी, तो ये वर्ब है और उसमें लगेगा क्या आपका? आईएनजी। तो मदर हैज बीन वर्शिपिंग, माँ पूजा कर रही है। फिर कर कहां रही है, कहां कर रही है भैया? टेम्पल, मंदिर में कर रही ना, इन टेम्पल, इन टेम्पल। मदर हैज बीन वर्शिपिंग इन टेम्पल, माँ मंदिर में पूजा कर रही है। इज दैट क्लियर? चलिए अब कर कब रही है, जो हमारा समय है, समय को प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, कब लगा के पूछ रहे हैं, कब कर रही है? सुबह से कर रही है। कब से कर रही है? सुबह से कर रही है। तो क्या करेंगे, सुबह दिन में एक ही बार होती है भैया, तो क्या लगेगा? सिंस। सिंस क्या हो जाएगा? मॉर्निंग। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ऑल द सेंटेंसेस आर लीडिंग वन अनदर, एक दूसरे से संबंध रखते हुए सेंटेंसेस हैं। थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन पूरा सेंटेंस का भाव बदल देता है, इसलिए बी केयरफुल वाइल ट्रांसलेटिंग योर सेंटेंसेज। जैसे मान लीजिए अगर हो जाए कि आप कल से घर पर भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप कल से घर पर भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो अगर हम इंट्रोगेटिव में आ जाए कि आप कल से घर पर भोजन क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो हम क्यों करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको आगे ले आएंगे। लेकिन इससे पहले हम कह सकते हैं कि इसको निगेटिव बना दिया जाए, क्यों को हम हटा देते हैं, क्या हो जाएगा, आप घर पर, आप कल से घर पर भोजन क्यों की जगह पे आप कर दीजिए नहीं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आप कल से घर पर भोजन नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? आप, आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू। वेरी गुड, यू के साथ क्या लगता है? Have, superb, उसके बाद क्या हो जाएगा, negative word आ गया, negative word आ गया तो not, क्या हो जाएगा, you have not, तुम नहीं कर रहे हो, you have not been,
आप नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भोजन. यू हैव नॉट बीन ईटिंग. कहां पे कर रहे हैं भैया? घर पर. घर की इंग्लिश क्या होती है? एट होम. कब से कर रहे हैं? कल से. अब बताइए कल क्या है, निश्चित है क्या? निश्चित है नहीं है, ये अनिश्चित है. क्यों अनिश्चित है? क्योंकि कल तो दो होते हैं ना, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल. भाव तो हमारा बताएगा कि आपका काम बीते हुए में हो रहा है, लेकिन क्या होता है, कल दो प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको हम अनिश्चित रखते हैं. तो क्या हो जाएगा? फॉर. क्या हो जाएगा? फॉर. अब कब से? यस्टरडे. जैसे लेखक जंगल में सुबह से कहानी क्यों लिख रहा है? ठीक है गाइस, लेखक जंगल में सुबह से कहानी क्यों लिख रहा है? तो सबसे पहले हमने क्या बताया? क्यों. क्यों की इंग्लिश क्या होती है? Why. क्या होती भैया? Why होती है. अब Why के बाद लेखक क्या है? एक वचन है, तो क्या लग जाएगा? Has. क्या लगेगा? Has. Why has. फिर लेखक. लेखक की इंग्लिश क्या होती है? Writer. बहुत अच्छे. ठीक है, Why has writer been. क्या कर रहा है आपका writer? लिख रहा है ना, लिखने की इंग्लिश है राइट. तो वाई हैज राइटर राइट हो जाएगा. जब राइट में आई एन जी जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा राइटिंग. तो वाई हैज राइटर राइटिंग. क्या लिख रहा है? स्टोरी. राइटिंग अ स्टोरी. कहां पर लिख रहा है भैया? इन जंगल. इन फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट. लिख कब से रहा है? सुबह से. सुबह की इंग्लिश क्या होती है? सुबह की इंग्लिश मॉर्निंग. लेकिन उससे पहले क्या लगेगा? सिंस. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन. क्या आप दो घंटे से उससे क्यों लड़ रहे हो? आप दो घंटे से उससे क्यों लड़ रहे हो? ठीक है, आप दो घंटे से उससे क्यों लड़ रहे हो? तो क्यों को हम सबसे पहले लाते हैं. अगर निगेटिव बनाना है तो क्यों नहीं लड़ रहे हो लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इंट्रोगेटिव पढ़े हैं तो एक निगेटिव भी लिख लेते हैं. क्यों नहीं लड़ रहे हो? ठीक है, आप दो घंटे से उससे क्यों नहीं लड़ रहे हो? तो कौन नहीं लड़ रहे भैया? आप. लेकिन पहले हमें क्या करना है? देखिए इसका स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड. तो क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका? क्यों है. क्यों को क्लियर कीजिए. क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई. और लड़ कौन रहा है? आप. आपके साथ क्या लगता है? हैव. वाई हैव. उसके बाद आपकी इंग्लिश, आपकी इंग्लिश क्या होती है? आपकी इंग्लिश क्या होती है? हाँ, आपकी इंग्लिश होती है, आपकी इंग्लिश होती है क्या? यू. आपकी इंग्लिश क्या हो जाती है? यू. फिर से देखते हैं. आप दो घंटे से उससे, आप दो घंटे से उससे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो सबसे पहले हमने क्या किया? वाई. वाई के बाद क्या? वाई क्यों लिखा? क्योंकि क्यों की अंग्रेजी हमने सबसे पहले लिखा वाई. ठीक है, अब आप हैं क्या? बहुवचन है. बहुवचन के साथ क्या लगता है? हैव लग जाता है. तो वाई हैव. उसके बाद कौन? आप. आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू. वाई हैव यू. अब उसके बाद निगेटिव वर्ड आया है गाइस, यहाँ स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए. सब्जेक्ट के बाद नॉट. नॉट आया है तो हम यहाँ क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे. उसके बाद सहायक क्रिया का दूसरा पार्ट. तो वाई हैव यू नॉट बीन. कर क्या रहे हैं आप? लड़ रहे हैं. हाँ, क्या कर रहे हैं आप? लड़ रहे हैं. लड़ने की इंग्लिश क्या होती है? हैव बीन फाइटिंग. वाई हैव यू नॉट बीन फाइटिंग. किस से लड़ रहे हैं? उससे. उससे लड़ने के लिए टू. वाई हैव यू नॉट बीन फाइटिंग टू हिम. अब कब से लड़ रहे हैं भैया? दो घंटे से. अब दो घंटे अभी हाल का हो सकता है, दो घंटे बहुत पहले का भी हो सकता है, कभी का हो सकता है. तो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है. और जब अनिश्चित होता है तो हम क्या लगाते हैं?
फॉर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉर टू आवर्स। इज दैट क्लियर? तो नाउ आई थिंक यू हैव गॉट द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस परफेक्टली। परफेक्ट टेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आई थिंक आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नाउ गाइज मेक अ नोट ऑफ इट एंड रीड इट अगेन एंड अगेन ऑन योर पर्सनल चैनल दैट इज नन एज द टॉप 10 क्लासेस। रिवाइज इट एंड जस्ट गिव अ कमेंट इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एनी काइंड्स ऑफ सस्पेशन, एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स, जस्ट सेंड द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट प्रॉपरली। थैंक यू। नाउ गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।